हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रत्नेश शुक्ला एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल रतनजी टेक्निकल। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिड्यूस्ड मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। रिड्यूस्ड मास, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिड्यूस्ड मास? क्या है इसकी डेफिनेशन, जरा समझिएगा। बेसिकली रिड्यूस्ड मास इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड यू कैन डिफाइन इन दिस वे, इट इज द बेसिकली इफेक्टिव इनर्शियल मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड विच इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल मासेज ऑफ द पार्टिकल्स। सी हियर, हमारे पास में दो पार्टिकल्स हैं, इनके मास हमने m1 m2 एज्यूम कर रखे हुए हैं। लेट अस कंसिडर टू मैसिव पार्टिकल्स m1 एंड m2, विच वन आर बींग रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल जी एज शोन इन द फिगर, राइट। देन द मास विच वन इज इफेक्टिव इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज नोन एज द इनर्शियल मास, राइट। जो कि वैल्यू अगर बात करें, इनर्शियल मास की वैल्यू दोनों मैसिव पार्टिकल के मास के सम से हमेशा कम ही आती है। और आप नोट कर लें, इनर्शियल मास को शो करते हैं म्यू से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, प्रोडक्ट्स ऑफ द मासेस अपॉन सम ऑफ द मासेस, ठीक। हम इस फार्मूले को प्रूफ भी करेंगे और समझेंगे ये कैसे ड्राइव हुआ है। सो आप एक बार नोट कर लें, प्रूविंग करने चल रहे हैं। लेट अस कंसीडर टू मैसिव पार्टिकल्स ऑफ मासेस एम वन एंड एम टू, विच वन आर बीइंग रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल जी एज शोन इन द फिगर। नाउ लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बी स्मॉल आर। स्मॉल आर बी द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल के बीच की दूरी है। एंड एज्यूम दैट द डिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल जी बी स्मॉल आर वन एंड स्मॉल आर टू। नाउ फ्रॉम द मैकेनिक्स यू नो वेरी वेल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन बी गिवन एज द अल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। सो द यू जस्ट राइट इट डाउन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कैन बी गिवन एज द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, दैट इज एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, एम आई राइट? ओके, सो नाउ फ्रॉम द फिगर इट इज ओबियस दैट द टोटल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन स्मॉल आर कैन बी रिटन एज द आर वन प्लस आर टू, राइट। सो फ्रॉम द फिगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन स्मॉल आर इक्वल्स आर वन प्लस आर टू। वॉट इज द नीड ऑफ दिस वन एक्सप्रेशन? बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्प्लेस आर रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आर वन एंड आर टू इन टर्म ऑफ द स्मॉल आर। नाउ अगेन यू नो सिस्टम, इफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, हमारा ये जो सिस्टम है पार्टिकल का ये इक्विलिब्रियम है, देन व्हाट विल बी इन दैट कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी इक्वल फॉर बोथ मैसिव पार्टिकल, एम वन आर वन इक्वल्स एम टू आर टू होना जरूरी है, तभी तो इक्विलिब्रियम में हमारा सिस्टम रहेगा, राइट। सो नोट करें, बट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एम वन आर वन इक्वल्स एम टू आर टू, ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए, नोट कर लें इस बात को। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट वन इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट वन इक्वेशन यू कैन replace the R1 and R2 in term of small r, just you replace the first R1. From here it is obvious, if you are looking on the board
clearly it is obvious that R1 equals R minus R2, because R equals R1 plus R2. So obviously R1 equals R minus R2, and similarly you can say R2 equals R minus R1. Now just you place the value of the R1 in the above relation, we will get M1 R minus R2 equals M2 R2, and that is from here M1 R minus M1 R2 equals M2 R2, and that is M1 R equals M2 R2 plus M1 R2. So M1 R equals, take common R2 from the both expressions, that is M1 plus M2. And so the value of the R2, R2 equals M1 upon M1 plus M2 into small r. Note it down. Relation number 3. Okay. We have to place the value of R2 in the first one relation, and that's why we have to note it. R2 equals M1 upon M1 plus M2 into R. Okay. Similarly, we can say the value of R1 equals M2 upon M1 plus M2 into R. अगर R1 की बात करेंगे तो M2 upon sum of mass रहेगा, और अगर R2 की बात करेंगे, R1 की बात करेंगे तो M2 upon M1 plus M2, ठीक, into R. और अगर R2 की बात करेंगे तो M1 upon M1 plus M2 into R, just जो है वो reverse रहेगा, ठीक. इन दोनों ही values को आप क्या कर दें, place कर दें in the first one equation, तो हमें total moment of inertia कुछ जो है R के term में मिल जाएगा. Now place the value of R1 and R2 in the first one relation. Okay, मैं इसको erase करता हूँ. Placing the value of R1 and R2 in the first relation, we have moment of inertia I equals M1, R1 की value को place करिए, that is M2 upon M1 plus M2 into R whole square, okay, whole square plus M2 R2 equals M1 upon M1 plus M2 into R square, so whole square, M1 R1 square, M2 R2 square. आप देख पा रहे हो यहां से M1 M2 and small r square, देखो दोनों में common है, तो M1 M2 R square common कर लीजिए, ठीक, M1 plus M2 square इस तरीके से बच जाएगा. और जरा देखिए तो यहां क्या आ जाएगा, M1 plus M2, देखिए M1 plus M2, M1 plus M2 one bar cancel out कर जाएगी, that is total moment of inertia I equals M1 M2 upon M1 plus M2 R square. अगर आप देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, I equals M R square. इस M जो यहां पर जो मास दिख रहा है, यही मास क्या है, रिड्यूस्ड मास है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I equals mu R square. Here mu equals M1 dot M2 upon M1 plus M2 is the reduced mass of the system. So हमको reduced mass के लिए expression मिल गया है. Reduced mass mu equals M1 plus M1 M2 upon M1 plus M2, product of masses upon sum of the masses. इस तरीके से हम लोग reduced mass दे सकते हैं, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, अगर इसको हम लोग reciprocal के form में लिखें तो 1 upon mu equals 1 upon M1
प्लस वन अपॉन एम टू। क्या करना है, इसी को आप जो है इन्वर्स कर दें। सो वन अपॉन म्यू इक्वल्स वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू। यही रिड्यूस्ड मास के लिए भी एक फार्मूला है, हम कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल विल बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल मासेस ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।